झारखंड के जनपद सरायकेला के तफरेज अंसारी को मोबलिंचिंग के अंतर्गत भीड़ द्वारा हत्या किए जाने के संबंध में आज आगरा में मिशन सुरक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश मुस्लिम महासभा, भीम आर्मी सभी ने मिलकर भारत बंद करने का ऐलान किया। इसी के साथ आगरा के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी कि कहा कि तरवेज अंसारी के परिवारजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए, 1 सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, संसद भवन राज्यसभा में मोब लिंचिंग के विरुद्ध रोकथाम के लिए एक नया कानून बनाया जाए। वहीं तबरेज अंसारी के साथ जिन लोगों ने भी देश को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाए। उस्मानी, वो भाई आज अपने ज्ञापन में क्यों दिया? आज हमने तबरेज अंसारी को झारखंड में जो एक बड़ी शर्मनाक घटना की गई है उसके विरोध में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय जिला अधिकारी के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को एक हमने ज्ञापन दिया है। मुस्लिम महासंघ और भीम आर्मी और मिशन सुरक्षा परिषद ने सभी लोगों ने, दलित और मुस्लिम लोगों ने एक होकर इस ज्ञापन को दिया गया है। भारत बंद सफल रहा है। हमारा आगरा मंडल और इटावा मंडल, कानपुर मंडल काफी जो है वो बंद का काफी असर दिखा है। ये भारत बंद करने की जो बात कही गई और आज आप लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? असुरक्षित, असहाय महसूस कर रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। हमारा ही देश है, हमारे ही भाई हमको मार रहे हैं। हिंदू क्या हमारे भाई नहीं है? काफी हिंदू लोगों का हमको समर्थन रहता है, उनसे हमारा कारोबार होता है, व्यवसाय, उठना बैठना, आना जाना, पारिवारिक मामले हैं। ये कुछ असामाजिक तत्व जो योगी जी की शह पर जो कार्य कर रहे हैं, जो टीम बनाकर हिंदू वाहिनी और बजरंग दल, इन लोगों पर बैन लगाया जाए, इनको कुत्ते बनाकर इनको मारा जाए, और अगर ये नहीं मानते हैं तो भीम आर्मी और मुस्लिम संघ इनका मुंह तोड़ इनको जवाब देगी, अपनी टीम बनाकर इनको कुत्तों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारेगी भीम आर्मी इनको। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।